स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। पता नहीं इस वीडियो में कुछ बन भी पाएगा या नहीं भाई, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रखा है आइसलैंड में। आपने पिछली वीडियो में देखा था जिसमें हम ब्लैक बीच गए थे। अब हमको आर्कटिक एडवेंचर्स करके एक वैन ढूंढनी है जो कि हमको आइस केव के टूर पर लेके जाएगी। मिल तो गई है, सुपर जीप तो नहीं है ये, खैर चलो देखते हैं। तो भाई मेरे को लग रहा है कि वो बड़े टायरों वाली जीप है, उसमें जाना है हमको क्योंकि हम आइस केव जाएंगे तो कहीं ग्लेशियर वगैरह पे चढ़ाई सी होगी। तो देखते हैं, बिल्कुल टाइम से पे ही पहुँचे हम। ओके भाई, दूसरे बंदे ने ना ये वाली जीप बताई है जिस पे साउथ कोस्ट लिखा है। चलो देखते हैं भाई, मैं तो पूरा भीग लिया। यार वही होती है, किस्मत की बात होती है, किसी को वेदर अच्छा मिल जाता है, किसी को बहुत ही बेकार मिलता है। हमको बहुत ही बेकार मिला है, लग रहा है आइसलैंड दोबारा आना पड़ेगा। पर अब मैं सारी कंट्रीज करने के बाद दोबारा आऊँगा या फिर कोई स्पॉन्सर ही कर दे तब आऊँगा क्योंकि बहुत ही महंगा है। तो बारिश भी हो रही है, ऊपर से हवा भी चल रही है, सब खराब हो गया यार। तो भाई ये गाड़ी हमारी, संटी भाई बैठ चुके हैं। चलो ओके। आ भाई मैंने सीट घेर ली ना, भाग रहे थे सारे। अब तुम तो तेज है, बारिश में भीग गया बट सीट पक्का लेगा भाई, पैसे पूरे वसूल है। तो भाई जो आइस केव है, हम जा रहे हैं कतला आइस केव में और इसका टूर शुरू होता है विक सिटी से जो कि आइसलैंड में पड़ती है। और अभी हमारे ड्राइवर भाई साहब ने बताया है, पहली बात तो मैं बता दूं भाई, अपने ड्राइवर भाई साहब ही 60-65 साल से ऊपर के हैं, ये 70 के भी हो सकते हैं आराम से, और अभी भी देख लो काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया इस जगह पर ना साल में 200 दिन बारिश रहती है और 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो मतलब इतनी जंगलों में होती है बारिश। तो अब चल चुके हैं हम, 3 घंटे का टूर है, 3 बजे निकले हैं, 6 बजे वापस आएंगे, मतलब आना जाना सब कुछ मिला विला के उसी में है। देखते हैं कैसा क्या रहता है अपना टूर। देखो कैसे कैसे गैजेट्स लगे इनकी गाड़ी में ना, टायर तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, ये गैजेट देखो पता नहीं क्या ही क्या है लिखा आ रहा है। भाई अब रोड से गाड़ी उतार दी है, यहाँ तक ही आ सकती है नॉर्मल गाड़ियाँ, इसलिए ये मॉन्स्टर ट्रक है। अभी हवा वगैरह निकालेंगे गाड़ी में से। भाई वो गाड़ी देखो कुछ नहीं निकलती, वो भगवान भला करे भाई, कैसा सही आ गया। कह रहे हैं 2 दिन पहले 40 माइल पर आवर जा रहे थे और कह रहे हैं अब इतनी ज़्यादा स्नो हो गई। और भाई यहाँ हम पहुँच चुके हैं और पता है हम गए काम से भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ये हो सकता है मेरी ज़िंदगी का आखिरी एडवेंचर हो क्योंकि हमारी यार जैकेट वाटरप्रूफ नहीं है। अब हमको नहीं पता था इतनी बारिश होएगी, वरना 2-4 लेयर और पहन के आता मैं नीचे से, ठंड नहीं लग रही पर जैकेट गीली होती जा रही है। अब यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, अब आइस केव पे हमको जाना पड़ेगा पैदल चल के। तो चलो चलते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। ओ हो हो यार बहुत ही, मतलब ये सारे अंग्रेज जो पहन के आए हुए हैं वाटरप्रूफ जैकेट पहन के आए हुए हैं, मेरे को लग रहा है मेरे को भी एक खरीदनी ही पड़ेगी यार, वाटरप्रूफ जैकेट खरीदनी चाहिए थी। भाई की भी फेल है जैकेट, मेरी भी फेल है, क्या ही करेंगे यार, अब हम फंस गए संटी भाई, है ना भाई, बहुत बुरी हालत होगी मैं बता रहा हूँ आज तो। तो मेरे भाइयों यहाँ से हमारा पूरा ग्रुप चल चुका है, बस दिक्कत ये है यार मेरी, देखो ये जैकेट पूरी हो गई है, तो खड़े खड़े ही हो गई, निचुड़ रहा हूँ मैं पूरा, अरे यार ये गलती हो गई। चलो कोई नहीं, इससे भी खतरनाक एडवेंचर कर रखे हैं ये, तो क्या ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सा है, बैठ जाएंगे आके गाड़ी में, कोई नहीं नो प्रॉब्लम, चौधरी साहब कर देंगे भाई कर देंगे, या तेरी डॉक्टर करेगा एडवेंचर। ज़्यादा दूर नहीं होगी क्या मेरे हिसाब से, पास ही होगी, और यहाँ बैठने बैठने का भी बना रखा है, यहाँ पे अब वो मिलेंगे हमको जो जूतों में लगाने के होते हैं ताकि फिसले ना। भाई ये देखो आपको पता चलेगा कि हम क्या ही कर रहे हैं, ये बर्फ है पूरी की पूरी बर्फ, 100 मीटर नीचे तक जाती है, देखो पूरी आइस है ये, क्या ले लिया यार मैंने ये।
सा एडवेंचर आपने किस दिखाया हुआ आइसलैंड का, सब रोड ट्रिप करके चले जाते हैं। खैर ऐसा हो, देखो खैर ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा हो जाएगा यार, मेरे तो जूते पानी में गए। कोई नहीं करेंगे। ओ भाई ये कहाँ गए? ओहो ये है शायद, ओके हाँ ये है। आप देख सकते हो भाई कहाँ पे हैं अभी। ओह फिसलने लग रहा हूँ मैं तो, ये पूरा बर्फ है पैरों में, वो पहनने के बाद भी फिसलने लग रहा हूँ। तो आप देख सकते हो भाई मैं कहाँ पे हूँ अभी। मर गए। ओ वो रही देखो आप, दिख रही है आपको आइस के वहाँ, अब नहीं जा सकते, ये पूरी की पूरी बर्फ पे चल रहे हैं हम। देख लो आज अच्छा है टेम्परेचर, -10-20 नहीं है वरना मरता, पॉजिटिव में आज टेम्परेचर वरना बर्फ गिर रही होती बारिश की जगह। ये देखो भाई कहाँ से जाना पड़ रहा है हमको भाई साहब। भाई ये आ गए हम आइस केव के अंदर, अब देखो अब ये जा रहा हूँ मैं बर्फ की गुफा में से भाई, आइस केव में से। के अंदर है ना भुलकुले भी जमे हुए हैं देखो। तो भाई यहाँ पे अब चलते हैं ऊपर की साइड, काफी बड़ी केव है यहाँ पे, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखो भाई बर्फ की गुफा कितनी ऊंची है। ओ बर्फ आके गिरी नीचे, आइसिकल्स भी बन गए हैं, पूरी ब्लू ब्लू ब्लू, जितने सूरज निकला होता ना और बहुत ही बढ़िया कलर आता। मैं भी कभी उतर में 5-7 साल बाद दोबारा आ जाऊं मैं जब सूरज निकला हो तो। ये देखो बुलबुले भी अंदर जमे पड़े हैं इसके भाई। अब देखो मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली, ये देखो बर्फ के अंदर पत्थर भी फंसे पड़े हैं, बिल्कुल बर्फ को टच कर रखा है मैंने इस टाइम पे फोन। देखो भाई ये फट्टा है आखिरी। ओ ये क्या चल रहा है? तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ओ यहाँ से तो बहुत सही आ रहा है यार, ये हमारे गाइड हैं। मत जाओ भाई आपके तो पूरे जूते गीले हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये भाई? वो देखो बर्फ कैसे चमकने लग रही है वहां पे। चलो फिर वापस चलते हैं। तो भाई इस केव की काफ़ी सारी एंट्रेंसेस जो है बंद हो गई हैं क्योंकि पानी बहने लग गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सब कुछ पिघलने भी लग गया है। तो जब तक हम आए तो एक तरफ की एंट्रेंस बंद हो चुकी, एक तरफ की ये थी जो मैंने आपको दिखा दी। अब चलते हैं केव के बाहर। चलो भाई ओ भाई चलो सब लोग चले गए भाई। ओ भाई फिसल गया। ठीक है एक ये थी एक वहाँ थी एंट्रेंस, अब चलते हैं यहाँ से बाहर भाई। देखो यहाँ पे अब देखो कैसा लग रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो भाई, पूरा भीग गए। अब सब कुछ कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। देखो ओह ये आगे बाहर, ओ हमारा ग्रुप वहाँ जा रहा है, हम काफ़ी पीछे रह गए। ये भी बांध रखे रस्सियाँ, इन्हीं को पकड़ के आ रहा हूँ मैं तो। भाई अब हमने ना पूरा जोर लगा लिया अंदर फोटो खींचने का, एक दो फोटो आई भी है इंस्टा पे जाके देख लेना, फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। तो मैंने खींची यार गोरे लोगों की फोटो, उनकी तो आई बिल्कुल कड़क। अंधेरे में भी चमक रहे थे जैसे फेयर एंड लवली से भाई। ये बात तो सच है देखो, इसकी चाहे मानो चाहे ना मानो,
मेरी शक्ल पे भी लोग कमेंट करेंगे तेरी शक्ल बेकार है, ये है वो है, पर जो गोरे लोग कुछ भी कपड़े पहन लें और कहीं पे भी फोटो खिंचा ले ऐसे लगते स्टार हो। अब लोग कहेंगे अबे तेरी तो शक्ल, भाई मेरी शक्ल फुद्दू है बिल्कुल बेकार, नहीं मेरी शक्ल फुद्दू है, उसके अलावा कुछ कमेंट करना कर लो भाई। मेरे को एक चीज बताओ, ये बॉलीवुड के स्टार जब गोरों के साथ नॉर्मल गोरे के साथ भी वो खड़े होते हैं ना तो ऐसा लगता है वो गोरा स्टार है। वो बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हो गया, अभी ये प्रियंका चोपड़ा को देख लो, वो उनके साथ खड़ी होती है ऐसा लगता है कि यार वो बिल्कुल अजीब है, बट इसमें ये नहीं है कि भाई घुस गया था खड्डे में। चलो ये तो बात हो गई, अब हम आए भाई यहाँ, देखो यार ये क्या बन गया, ये देखो भाई ये क्या चीज है। तो भाई ये मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ, ये भी एक केव है जो लोग कह रहे हैं पिघल चुके, सही आ रहा है देखना, पानी तो नहीं गिरा हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है भाई। वो बारिश हो रही है ना तो पीछे देख लो कैसी गोल गोल सी केव है, पूरी पिघल चुकी है ये, अब तो अब इसमें नहीं जा सकते, दूर से ही फोटो खिंचवा सकते हैं, पर वहां पे भी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे पास वैसे वाले जूते नहीं है। और यहाँ पे जो इन्होंने वो बना रखा है ब्रिज, ये गया है टूट, ये पानी के अंदर जा चुका है, वहाँ पे भी एक बाधा है, तो वो दोनों चले गए थे पर हम नहीं जाएंगे। चलो वापस चलते हैं भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, हे भगवान, आज बस I-20 में बिठा दे मेरे को भाई। ये देखो इसको मैं पूरा रगड़ दूँ तो बर्फ़ खुरच रहा हूँ एक तरह से मैं, ये देखो भगवान। चलो वापिस हमको पहाड़ के ऊपर तक जाना है, पहाड़ मतलब पूरे का पूरा जो है पूरा बर्फ से बना हुआ है, 100-100 मीटर नीचे तक इसके बर्फ है, कोई मतलब ग्लेशियर में है अभी हम, इसके नीचे कोई मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ है मनाली शिमला की तरह 2 फुट बर्फ गिर गई, 300-400-500 फीट तक नीचे बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर उसी को कहते हैं। ये देखो ऐसी बर्फ है, कोई आप सोच रहे हो कि मनाली शिमला वाले पहाड़ हैं 2 फुट बर्फ गिर गई, नहीं। अब चलो नीचे चलता हूँ, फोन रखता हूँ जेब में। भाई ये क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे सबने अपनी निकाल के रख दी है और अब चलते हैं, वैन में बैठते हैं भाई, मेरी तो आप कहोगे यार क्या बकवास कर रहा है भाई, मेरे को नहीं पता था यार ऐसी हालत हो जाएगी, वरना मैं एक लेयर और पहन के आ जाता ना नीचे, ठंड नहीं लग रही हो, गीला हो गया ना, ये दिक्कत, देखो सब भाग के ही जा रहे हैं, सब के ही कपड़े भीग गए। देखो भाई यहाँ गए थे हम, वो देखो पूरा बर्फ का पहाड़, थोड़ी धुंध भी हो रही है, चलो किस्मत में जो लिखा था वो मिल गया हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो भाई सबकी जुराबे वगैरह गीली हो गई भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मेरी हुई है, देखो हेड सुखाने को कह रहे हैं। तो जो हमारा नो दिस नॉट माय, तो मेरा हमारा जो गाइड है ना वो भी ऐसे कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती वाटर प्रूफ, कुछ वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ वाटर डीलिंग होती है, तो ठीक है भाई सब लोग अपना सुखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी हमारी हालत ख़राब है, ये जान के मेरे को खुशी है कि मरता तो मैं नहीं सारे ही मरते। चलो भाई अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का, अभी हीटर चलाएंगे तब दिखेगा जाके, चलते हैं भाई। भाई कमेंट करके जरूर बताना ये एडवेंचर आपको कैसा लगा, ये एडवेंचर ना नॉर्मल एडवेंचर से एक्सट्रीम हो गया बारिश की वजह से, मेरे को ठंड इतनी नहीं लगी, मेरी पूरी जैकेट भीग चुकी है, इस जैकेट को सूखने में, वैसे यहाँ तो एक ही दिन में सूख जाएगी, गाड़ी में जाती उतारूंगा और कपड़े चेंज करूंगा। चलो चलते हैं अब अपनी रिटर्न जर्नी में, लगभग 1 घंटा रिटर्न में लगेगा। भाई ये देखो यहाँ पूरी नदी में से कुदा दी भाई गाड़ी, ओ भाई ओहो, ये लंबी है हमारे वाली, वो निकल गई वो वाली, नहीं नहीं निकाल देगा बंदा भाई, यार बड़ा ही खतरनाक मामला है ये, हवा वगैरह कम कर रहे हैं भाई, अंदर से भरी और कम हो जाती है हवा, ऐसा नहीं है कि बाहर उतरना पड़ता। ओ भाई भाई फंस गए भाई, ओए गर्मियों का है ही नहीं एडवेंचर, गर्मियों में तो सब पिघल जाएगा यहाँ, गर्मियों में बोल तो रहे हैं यहाँ पे इतना पानी भर जाता है स्विमिंग पूल बन जाता है। कम ऑन निकल गई, अरे धक्का मारो सब लोग। तो अभी भाई वो दूसरे भाई साहब है जो आगे गाड़ी वाले हैं, ऐसे ऐसे करके धक्का,
भाई ये देखो एक और बस यहाँ पे फंसी पड़ी है, देखो नहीं निकल गई निकल गई निकल गई, हाँ हाँ निकल गई। चलो भाई आ गए नॉर्मल रोड पे, भाई बड़ी मुश्किल से आए बिल्कुल, मतलब आज प्लस में 6 डिग्रीज गया हुआ है ना, तो वो बर्फ का थोड़ा ऐसे बन गया है, मतलब क्या बताऊँ आपको, आइसक्रीम सी बन गई है बर्फ की। तो दोनों गाड़ियाँ फंसी, कभी वो फंसी कभी हमारी फंसी, दोनों एक दूसरे की मदद करते करते आ गए, तो अभी 15-1 मिनट में पहुँच जाएंगे। और ये बंदा बिल्कुल बेशरम सा है, पता नहीं कैसे बैठा है, देखना छोड़ो इसकी बात बाद में बताऊँगा। तो भाई आ गए थे यहाँ पे, एक लावा कैफ़े था वो तो बंद हो चुका, तो ये हम क्रोनन में ही आए हैं जो इनकी सुपर मार्केट है। यहाँ पे फिर इंडियन खाना मिल रहा है, तंदूरी टिक्का मसाला बटर चिकन, तो टिक्का मसाला और एक तंदूरी टिक्का मसाला ले लिया, पर ये बिल्कुल सेम है मेरे को तो लग रहा है अंदर से, तो देखते हैं और क्या क्या ले लेते हैं। भाई महंगा तो बहुत है वैसे, सही बताऊँ तो टिक्का मसाला 1400 का, मतलब $10 का, 800 रुपये में डब्बा, 800 क्या डॉलर भी 85 का मान लो 850 में। तो भाई यहाँ मार्केट के बाहर ही माइक्रोवेव रखा था भाई, ये तो मस्त खुशबू आ रही है इसमें से, मेरे को लग रहा है ये जो कंपनी बना रही है सही बना रही होगी, चलो खा के बताऊंगा। तो भाई खा लिया खाना, बढ़िया था बिल्कुल, $10 वसूल थे सुबह वाले खाने से, तो 1 lakh times बढ़िया था। और वो देखो डकार भी आ रही है, अब कैसे खुलेगा ये, खुल ही नहीं रहा था, तो अब चलते हैं वापस रह के अभी। भाई मर गया ठंड में। ओ भाई मैंने तो पहले आते ही सारे चीज चेंज करी, अंडरवेयर से लेकर हर चीज चेंज कर दी मैंने, अंडरवेयर पैंट ऊपर का, ये जैकेट तो सूखने डाल दी मैंने। अब खाएंगे मीठा, थोड़ा मीठा भी खरीदा तो वो खाएंगे। तो भाई इस बार संटी भाई लेके आए हैं ये क्या है, ट्रासी आटेला, ये 500 क्रोना का है, मतलब लगभग $3.5-4। और मैं लेके आता हूँ हमेशा तिरामिसू, मेरे को सही लगता है, जहाँ भी मिलता है मैं खा लेता हूँ, इंडिया में भी मिलता है पर यहाँ पे ना हर सुपरमार्केट टाइप में मिल जाते हैं, तो ये सही रहता है, मज़ा आता है। ये भी 500 क्रोना का,